तो दोस्तों कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और ऐसा ही हुआ है भारत के साथ। दरअसल भारत का जो गेहूं है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा आरोप प्रत्यारोप झेल रहा था। किसी ने भारत के गेहूं को घटिया क्वालिटी का बताया, किसी ने कहा कि भारत के गेहूं में कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। परंतु भारत ने फिर भी इन सब बातों की चिंता ना करते हुए दुनिया भर की भूख मिटाई और जिन देशों को गेहूं की आवश्यकता थी उनको गेहूं पहुंचाया। पर दोस्तों आज समय बदल चुका है और दुनिया भर के अंदर जिस अनाज की मांग अब तीव्रगामी गति से बढ़ रही है उस अनाज के मार्केट के अंदर दुनिया का भारत बेताज बादशाह है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राइस मार्केट की, जिसके अंतर्गत दुनिया भर का अंतर्राष्ट्रीय राइस मार्केट में भारत का ही मात्र 38% का हिस्सा है, जिसके कारण से भारत चावल निर्यात के मामले में दुनिया में नंबर वन पर आता है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि दुनिया भर में गेहूं की किल्लत के बाद में चावल की किल्लत मचने वाली है और पूरी दुनिया के वे देश जिन्होंने भारत को अपने गेहूं को लेकर कई बार ब्लेम किया, साथ में आरोप प्रत्यारोप लगाए, उन देशों को साफ साफ भारत से डर सताने लगा है। क्योंकि भारत एक बार उन देशों को गेहूं देकर छलक चुका है तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि भारत शायद हमें चावल नहीं देगा। और दोस्तों वो देश भारत का ही चावल क्यों खरीदेंगे, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल हमारे नीचे जितने भी देश आते हैं जो भारत के बाद में चावल का एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रति टन के हिसाब से $100 अधिक रेट चार्ज कर रहे हैं अपने चावल को लेकर, जबकि भारत का जो चावल है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है और भारत दुनिया भर से प्रति टन के हिसाब से अन्य देशों के मुकाबले $100 कम ही ले रहा है। और दोस्तों खबरों के मुताबिक माने तो इकोनॉमिक टाइम की तरफ से खबर निकल के सामने आई है कि जो भारतीय चावल की मांग है वो पूरी दुनिया के अंदर पड़ चुकी है, साथ में इसका जो प्राइस है वो भी $355 से बढ़कर $362 प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से हो गया है। और अब इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से ऐसी योजना बनाई जा रही है कि अब जिस भी देश को हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे उसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट की कीमतों के हिसाब से ही भारतीय चावल मिलेगा, यानी इससे भारत के जो चावल उगाने वाले किसान हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। और अभी फिलहाल में भारतीय चावल की जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत है वो 28 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब की है, जबकि जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो अपने चावल को 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। इसलिए दुनिया के कई सारे देश अब भारत की शरण में आ चुके हैं, क्योंकि चावल लेने के लिए भारत के पास आना ही पड़ेगा। एक तो भारत का चावल सस्ता है, साथ में इसकी जो क्वालिटी है वो दुनिया में वन ऑफ दी बेस्ट है। फिलहाल में आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत सरकार को उन देशों को भी चावल देना चाहिए जिन देशों ने भारत के गेहूं को घटिया और खराब क्वालिटी का बताया था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपील अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।